बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? वो मेरे सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने देखा था हेडर एंड फुटर। इस वीडियो में हम देखेंगे पेज नंबरिंग। पेज नंबरिंग हम कैसे करते हैं, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आप एमएस वर्ड को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद होम के साथ इंसर्ट वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे तो टूल बार में आपको हेडर एंड फुटर के साथ ही पेज नंबरिंग शो हो जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, जैसे कि टॉप ऑफ पेज, यानी कि पेज के टॉप पे नंबरिंग करना चाह रहे हैं, बॉटम पे करना चाह रहे हैं, तो पेज मार्जिन आप नंबरिंग के हिसाब से चाह रहे हैं, या फिर करंट पोजीशन। करंट पोजीशन यानी कि जिस जगह पे आपका कर्सर है वहाँ पे पेज नंबरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम टॉप पे देखते हैं। टॉप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट्स आ जाएंगे। मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर 3 पेज ऐड किए हुए हैं। चलिए हम इनमें से कोई भी अच्छा सा फॉर्मेट देख के उसको यूज़ करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला करते हैं, तो ये देखें 3, 2 और 1, ठीक है। अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं तो वो डिज़ाइनिंग भी हो सकती है इसी के अंदर, ठीक है। दोबारा हम जाएंगे, हम इसको बॉटम पे ले आएंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको बॉटम पे ले आएंगे। यहाँ पे भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट्स होंगे, फॉर्मेट्स जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाला करते हैं, ये देखिए पेज के बॉटम के ऊपर नंबरिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, 2, 1, ठीक है, ये पेज नंबर 1 है। इसी तरह हमारा कर्सर फॉर एग्ज़ाम्पल नंबरिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई जो भी आप इसमें करना चाह रहे हैं एडिटिंग, के आपका पेज नंबर सेंटर के बजाय लेफ्ट में हो, राइट में हो, या जिधर भी हो मार्जिन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हम इसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए पेज नंबर राइट साइड पे मार्जिन पे आ गया है। ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकुलर भी हो जाएगा, जैसे आप इसको यूज़ करना चाह रहे हो ये वैसे हो जाएगा। अब हम इसे रिमूव कर देते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद पेज नंबर 3 पे जाएंगे, रिमूव कर दें पेज नंबर 1, यहाँ पे कर्सर लेके आए पेज नंबर 1 के ऊपर, दोबारा क्लिक करें, करंट पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट्स आ जाएंगे। उनमें से आप जो भी आपको अच्छा लग रहा हो आप उसे सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे कर लेते हैं, तो ये वाला जो होगा करंट पोजीशन के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे आपका कर्सर होगा। इसी तरह ये वाली जो करंट पोजीशन के ऊपर नंबरिंग होगी, पेज नंबरिंग, ये आपको हर पेज के ऊपर जाके करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरी पोजीशन पेज नंबर 2 पे है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करंट पोजीशन के ऊपर कोई भी फॉर्मेट चूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए पेज नंबर 2 पे आ गया। इसी तरह 3 पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी पेज नंबरिंग पेज के सेंटर में है, ये कर्सर मेरा पेज के सेंटर में है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ करंट पोजीशन, यहाँ पे कोई भी मैं सिलेक्ट कर लूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए, ठीक है, पेज नंबर 3 पे आ गया। इसी तरह जिधर आपका कर्सर होगा वहाँ पे ही आपकी पेज नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, पेज नंबरिंग उसकी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।